तो गाइस यार आज का मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा अच्छा और आज है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। तो गाइस यार अभी मैं जा रहा हूँ रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करने। अभी आप देख सकते हो हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं रिपब्लिक डे। मैंने एक खतरनाक सी इंडिया के फ्लैग की यहाँ पे टी शर्ट पहन ली है और अभी हम पहुंचने वाले जहाँ पर रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होने वाला है और हम यहाँ पर आ चुके हैं। लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सारे के सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ा करते हैं। अभी साइकिल पर कौन है, कौन सा बच्चा आ गया? ओ अंकल, बच्चा ना कहना, शिवा, शिवा नाम है मेरा, मेरी साइकिल है वो। अरे सॉरी सॉरी शिवा, मुझे नहीं पता था तेरी साइकिल है। तो गाइस आप देख सकते हो आज हमारे साथ शिवा भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है शिवा। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे शिवा, आ जाओ बाकी सबसे मिलते हैं। सारे के सारे लोग बनाने आ चुके हैं आज रिपब्लिक डे। लिटिल सिंघम कैसा है? अरे फ्रैंकलिन, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे लिटिल सिंघम। हैप्पी रिपब्लिक डे ब्लैक पैंथर। अरे ये क्या? अरे फ्रैंकलिन, मैं अपने बेटे लिटिल सिंघम को भी लेके आया हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा। तो गाइस आप देख सकते हो सारे के सारे एवेंजर्स और भी बाकी सारे सुपर हीरोज आज आ चुके हैं रिपब्लिक डे के दिन फ्लैग होस्टिंग के लिए। यहाँ पर अभी इंडिया का फ्लैग लगाएंगे, थोड़ी देर में टाइम होने वाला है। आप देख सकते हो आयरन मैन, हल्क, थैनोस, स्पाइडरमैन, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज, सुपरमैन, ब्लैक पैंथर, लिटिल सिंघम, शिवा, सब के सब जने आ चुके हैं और हम करने वाले हैं फ्लैग होस्टिंग। माइक टेस्टिंग 1 2 3। सभी के सभी जने मेरी बात सुनो, फ्लैग होस्टिंग का टाइम हो चुका है, जल्दी से सामने लाइन लगा लो, हम आज बनाने वाले हैं रिपब्लिक डे। तो अभी सभी के सभी जने यहाँ पर लाइन में आ चुके हैं। अरे आज तो बहुत मजा आने वाला है, आज तो रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस यार आपको भी सबकी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आप भी सभी जनों को कमेंट में लिख दो हैप्पी रिपब्लिक डे। और फ्लैग होस्टिंग का टाइम हो चुका है, अभी हम इंडिया का फ्लैग इधर लगाने वाले हैं और रिपब्लिक डे मनाने वाले हैं। तुम में से मुझे कौन बताएगा रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? मैं बताऊंगा। तुम में से इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। आज मैं इंडिया को रिपब्लिक डे नहीं मनाने दूंगा। अरे अब ये कौन है? अबे ये कौन आ गया परेशान करने, हमें रिपब्लिक डे मनाने दो, निकल जाए यहाँ से। जबान संभाल के बात करो। हल्क, मैं तुम्हें रिपब्लिक डे नहीं मनाने दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अरे तू देख नहीं सकता क्या, यहाँ पर कितने सारे सुपर हीरो से, हम तेरी चटनी बना देंगे। और सुपर विलन भी तो है। सुपर विलन भी है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। किसने बोला मैं अकेला हूँ? मेरे बच्चों बाहर आओ, हमें इनका रिपब्लिक डे मनाने से रोकना पड़ेगा। अरे ये क्या चल रहा है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अब कौन ज्यादा खतरनाक है बताओ। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? अरे ये क्या चीज है? अरे कैसे, आप देख सकते हो ये लोग पता नहीं कहाँ से आ चुके हैं। ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला था ना, मैं तुम्हें रिपब्लिक डे नहीं मनाने दूंगा। ये मेरे खतरनाक ज़ॉम्बीज आज रिपब्लिक डे तुम्हें नहीं मनाने देंगे। मेरे ज़ॉम्बीज, इन सब को पकड़ के अपना वायरस फैलाओ और इन सब को भी अपने जैसा बना दो। हल्क ये नहीं होने देगा, हल्क आज रिपब्लिक डे मना के रहेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है सबसे पहले हल्क को ही खाना पड़ेगा। इधर आ हल्क। मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। या, या, या। मैं इस हल्क को लेके जा रहा हूँ, इसको हमारे जैसा बनाऊंगा। बाकी सारे एवेंजर्स को भी कन्वर्ट कर दो, हम इधर राज करेंगे और रिपब्लिक डे नहीं मनाने देंगे। निकल जाए यहाँ से हल्क के बच्चे। चलो अपना काम शुरू करते और इन सब को ज़ॉम्बी बनाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, जल्दी भागो। तुम में से कोई कहीं नहीं भाग पाएगा, हम आज सबको खाएंगे। मेरे ज़ॉम्बीज, जाओ और सबको खा लो। हमें हमारे बॉस की बात सुननी है और इन सबको अपने जैसा बनाना है। मुझे बचाओ। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे?
मेरे साथ? ये लोग कौन है? अरे काइजर, ये पता नहीं कौन से अजीब अजीब एलियन हमारे पर अटैक कर दिया और हमें रिपब्लिक डे नहीं मनाने दे रहे थे। और अभी आप देख सकते हो, इन्होंने सारे के सारे एवेंजर्स और सुपर हीरोज को यहाँ पर पकड़ लिया है और ये इन सबको अपने जैसा बनाने वाले। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो सकता है? हम अपना रिपब्लिक डे बस मनाना शुरू करने वाले थे कि एकदम से इन खतरनाक एलियंस का अटैक हो गया। अब ये मुझे देख ले, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे पकड़ के भी एलियन बना देंगे। एक सेकंड, यहाँ पर शिवा क्या कर रहा है? शिवा शिवा, अरे शिवा उठ जा, जल्दी उठ जा। अरे शिवा उठ जा। अरे अंकल, क्या हुआ था मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ? अरे हम इधर ही हैं, हम सामने रिपब्लिक डे मना रहे थे, वहाँ पर एलियंस का अटैक हो गया। अरे हाँ, वो एलियंस कहाँ से आए थे अंकल? अरे मुझे नहीं पता, और मुझे अंकल अंकल क्यों बोल रहा है? मैं तेरा अंकल तो ना हूँ। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो सामने अभी तक वो एलियंस खड़े और इनके साथ क्या होने वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा। सारे के सारे सुपर हीरोज को हम अपने जैसा कन्वर्ट करेंगे। चलो शुरू करते, वायरस फैलाते हैं। अपना वायरस इनके अंदर जाने वाला है। पहले हम सारे सुपर हीरोज को अपने जैसा बनाएंगे, उसके बाद पूरे लॉस सेंटोस को अपने जैसा बनाएंगे, फिर हमारे बॉस यहाँ के राजा बन जाएंगे और कोई रिपब्लिक डे नहीं बना पाएगा। अरे काइजर, आप देख सकते हो ये एक ही सेकंड में कितने सारे जन यहाँ पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ यार 4 एलियन थे और इन्होंने आयरन मैन, हल्क, थॉर, थैनोस सबको कन्वर्ट कर दिया इन खतरनाक एलियंस में। अरे शिवा, ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं। अरे लिटिल सिंघम तो अपने बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेके आया था, वो भी एलियन बन गया। लिटिल सिंघम का बच्चा भी यहाँ पर एलियन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे? ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा चलता रहा, इन्होंने सारे सुपर हीरोज को तो एलियन में कन्वर्ट कर दिया है, ये पूरे लॉस सेंटोस को एलियन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हमारा क्या होगा? अरे बच्चे कुछ बता, हम क्या करें? अंकल बच्चा मत कहना, शिवा शिवा नाम है मेरा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पूरे लॉस सेंटोस को बचाना पड़ेगा। अरे बचाना तो है, पर कैसे बचाएंगे? अरे अंकल, आपको गूगल यूज करना आता है क्या? गूगल? हाँ यूज तो करना आता है, पर गूगल क्या करेगा? अरे इनको कैसे हराएं? अरे अंकल मेरी बात तो सुनो, हम गूगल से पूछ सकते हैं इन खतरनाक एलियंस को कैसे हराया जा सकता है। क्या गूगल को पता होगा? हाँ, गूगल को सब पता होता है। आप इनकी फोटो खींच के गूगल पर डाल दो और गूगल से पूछो इनको कैसे हरा सकते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो कैसर, शिवा ने अभी हमें एक अच्छा सा आइडिया दिया, तो फटाफट से अपने पहले कैमरा खोलते हैं और इन लोगों की फोटो खींच लेते हैं। जूम करके बिल्कुल खींचेंगे, ढंग से दिखने चाहिए ये एलियंस, और ये फोटो क्लिक। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हमारे पास ये फोटो यहाँ पर आ चुकी है और इसको मैं लेके जाने वाला हूँ गूगल पर और फिर हम सर्च करते हैं कैसे हराएं इन एलियंस को। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं गूगल पर और रिपब्लिक डे, इसलिए गूगल भी ऐसा मस्त मस्त लग रहा है, तो हमको भी रिपब्लिक डे बनाना है, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। ये जो मैंने फोटो ली थी अपने फोन में, इसको हम डालने वाले हैं गूगल पर और हम यहाँ पर सर्च करेंगे इन खतरनाक एलियंस को कैसे मारे, क्योंकि हमको रिपब्लिक डे मनाना है। तो फटाफट से लिखते हैं रिपब्लिक डे मनाना है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लिख दिया फोटो डाल के इन खतरनाक एलियंस को कैसे मारे, क्योंकि हमें रिपब्लिक डे मनाना है। चलो फटाफट से सर्च करते हैं और देखते हैं गूगल हमें क्या बताने वाला है। 3, 2, 1। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो ये सर्च करने के बाद यहाँ पर एक और एलियन की फोटो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है इस एलियन को लाओ, एक वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के नमक मिर्ची मसाला डाल के एक मैजिक पोशन बनेगा, उससे तुम किसी भी खतरनाक एलियन को खत्म कर सकते हो। तो गाइस सर, अभी हमारे गूगल ने हमें बता दिया कैसे हरा सकते हैं इन खतरनाक एलियंस को। तो चलो फटाफट से वो मैजिक पोशन बनाते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें भी चाहिए। तो गाइस सर, अभी गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे पता चला अगर इन खतरनाक एलियंस को हराना है तो हमें चाहिए होंगे कुछ नॉर्मल एलियंस को पकड़ के वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के नमक मिर्ची मसाला डाल के उनको पूरा मिक्सर
करके खतरनाक सा पाउडर बनेगा, और अगर वो पाउडर मैंने इनके ऊपर फेंका तो ये सारे के सारे लोग वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। तो काइजर हमें वो पाउडर कैसे भी करके चाहिए होगा, वो खतरनाक सा मैजिक पोशन, उसके लिए चाहिए होंगे हमें एलियंस। तो अभी हम जाने वाले एलियंस ढूंढने। अरे अंकल, मैं वॉशिंग मशीन, नमक, मिर्ची, मसाले का इंतजाम करता हूँ, और आप एलियन का इंतजाम करो। ठीक है शिवा, मैं एलियन का इंतजाम करता हूँ, फिर हम मेरे घर पर मिलते हैं। तो गाइज़र चलो फटाफट से चलते हैं कुछ एलियंस ढूंढने, क्योंकि हमें इन खतरनाक से एलियन वायरस को खत्म करना पड़ेगा, जो कि जिसकी वजह से आयरन मैन, थैनोस, हल्क, वांडा, थॉर सबके सब जने एलियंस बन चुके हैं। चलो फटाफट से नॉर्मल एलियंस ढूंढते हैं। तो गाइज़र अभी मैं पूरे लॉस सैंटोस में घूम रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ हर जगह एलियंस ही एलियंस घूम रहे हैं। अरे अंकल जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, एलियंस आ रहे हैं। चलो गाइस फटाफट चलते, मैंने इनको भी बता दिया, इनकी जिंदगी भी मैंने बचा। ये क्या चीज है, एलियन? अरे काइजर मुझे एलियन मिल गया। रुक जा, अबे रुक जा, अरे ये एलियन कहाँ जा रहा है? रुक जा एलियन। अरे काइजर मुझे एलियन चाहिए था और मुझे एलियन मिल गया, ये नॉर्मल वाला एलियन है। रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आप सब टेंशन मत लो, मैंने इस एलियन को पकड़ लिया है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे तुम कौन हो, इस एलियन को कब पकड़ रहे हो? अरे ये एलियन बहुत ही खतरनाक है, पर आप टेंशन मत लो, मैं इसे पकड़ लूंगा। अरे तुम मेरा एलियन नहीं लेके जा सकते। तुम्हारे एलियन? अरे अंकल क्या बोल रहे हो, ये एलियन तुम्हारा नहीं है। चल एलियन, चुपचाप मेरे साथ चल। अरे ये हमारा एलियन है, छोड़ दो हमारे एलियन को। अबे तेरी तो निकलो ऐसे, किसको एलियन चाहिए? तेरे को चाहिए, ये ले, सबको मार दूंगा। तो काइजर आखिरकार अभी मुझे ये एलियन मिल गया है। ये सब लोग बोल रहे थे इनका एलियन है, पता नहीं इनका एलियन कैसे हो सकता है। चलो इसको फटाफट से घर पे लेके चलते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो इस एलियन को अपने साथ मैंने बिठा लिया, सीधा हम घर पे लेके जाके इसको डालेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर, जो कि हमें गूगल ने बताया था वही हमें करना है। चलो फटाफट से चलते हैं और लॉस सैंटोस के एलियन अटैक को रोक के रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हमारी वॉशिंग मशीन आ चुकी है, और हमारा एलियन भी यहाँ पर आ चुका है। सारी चीजें हमने वॉशिंग मशीन में डाल दी है, सिर्फ इस एलियन को डालना बाकी है। अरे ये काम तो करेगा ना? अरे हाँ शिवा, तो टेंशन मत ले, ये बिल्कुल ढंग से काम करने वाला है। चल एलियन फटाफट से खड़ा हो जा। अरे मुझे कौन पकड़ के लेके आ गया? भागो यहाँ से। अरे ये एलियन तो भागने लगे। अरे रुक जा। अरे तुम मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ के लेके आए हो? ये एलियन बात कैसे कर रहा है? अरे मैं एलियन नहीं हूँ। एलियन नहीं हूँ? क्या झूठ बोल रहे हो, पूरा एलियन जैसा दिख रहे हो। अरे रुक जाओ, अरे ये तो सिर्फ कॉस्ट्यूम है, इसके अंदर मैं था। क्या ये कॉस्ट्यूम है? अरे हाँ कॉस्ट्यूम है, मुझे फालतू में परेशान कर दिया, मुझे पता नहीं कहाँ ले गए, मैं कहाँ पर हूँ और तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे? अरे हम तो तुम्हें वॉशिंग मशीन के अंदर डालने वाले थे। क्या वॉशिंग मशीन के अंदर? भागो यहाँ से। अरे तुमसे तो एक काम भी नहीं होता, एलियन लाने के लिए बोला था, एलियन की कॉस्ट्यूम उठा के लेके आ गए। अरे मुझे तो ना पता था ये एलियन की कॉस्ट्यूम है, वो तो भाग गया से। अब क्या करेंगे? अब हमें जल्दी से जल्दी एक एलियन चाहिए होगा, जल्दी कुछ करो। कुछ करना पड़ेगा। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, हमको एलियन तो इतनी जल्दी मिल नहीं सकता, इसलिए हम एक एलियन बनाने वाले। क्या एलियन बनाएंगे? हाँ एलियन बनाएंगे, जल्दी आ जा, वॉशिंग मशीन को छत के ऊपर लेके आ, मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। तो गाइजर अभी अपने छत के ऊपर आ चुके हैं, और हम एलियन बनाने वाले हैं अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर। अरे जब तुम्हारे पास ये मैजिक बोर्ड हमेशा था, तो एलियन क्यों ढूंढ रहे थे? वो मैंने सोचा नहीं। तो गाइजर अभी इस मैजिक बोर्ड पर हम बनाने वाले हैं खतरनाक सा एलियन, जो कि इन सारे खतरनाक बड़े बड़े एलियंस को खत्म करने वाला है। चलो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो गाइजर अभी हम आ चुके अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर एक खतरनाक सा एलियन बनाने। आपको तो पता ही है एलियन बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, हमें कोई भी एलियन मिला नहीं, इसलिए हमें खुद को ही बनाना पड़ेगा। एलियन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, कुछ अजीब से दिखने वाले प्राणी होते हैं जिनका मुंह बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब मुंह की बात करिए तो सीधा मुंह से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका मुंह बनाने वाले हैं, तो एक अजीब सा दिखने वाला मुंह अपने यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा होगा, मतलब इसकी पूरी बॉडी के सारे पार्ट से सबसे बड़ा यही होता है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं, इसकी गर्दन बनाएंगे और इसके हाथ बनाते हैं। अब ये एलियन तो कोई यार जिम विम तो जाता नहीं है, इसलिए इसके हाथ बहुत ही पतले होने वाले हैं। तो फटाफट से हमें
तीन अंगुलिये बनाएंगे क्योंकि एलियंस की सिर्फ तीन अंगुलियां होती हैं। और ये बन गया पहला हाथ। अब जाएंगे दूसरे हाथ की तरफ और यहाँ पर हम देंगे सिर्फ दो अंगुलियां, एक हाथ में तीन एक हाथ में दो। कितना अच्छा एलियन हमने यहाँ पर बना दिया है। और इसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा पतली होती है क्योंकि ये कुछ खाते वाते नहीं है, बस ये लोग सिर्फ धूप खाते हैं इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं। अब इनके पैर भी बना देते हैं, पतले पतले पैर बनाएंगे। और ये बन गया पहला पैर और ये बन गया दूसरा पैर। तो आप देख सकते हो हमारा एलियन लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसकी नाभि बना देंगे अब यहाँ पर। अब इसके मुंह से ये एलियन लगने वाला है, वैसे ये कोई एलियन लगते नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका बनाने वाले हैं बड़ी बड़ी आंखें क्योंकि इन एलियंस की आंखें बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। तो हम इनकी आंखें बढ़ा दी, देखो कितनी ज्यादा बड़ी आंखें हमने यहाँ पर बना दी है। और इनकी नाक होगी ऐसे, ये है इनकी नाक और ये बनने वाला है इनका मुंह। लग रहा है ना बिल्कुल खतरनाक सा एलियन। तो गाइस मुझे तो बिल्कुल एलियन लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं पता। तो आप देख सकते हो ये एलियन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम करने वाले कलर्स, तो सारा सारा ये वाला कलर करेंगे और डार्क कलर लेके इसकी आंखों में कर देंगे या तो काला कलर इसकी आंखों में कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये एलियन कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। व्हाइट में अच्छा लगता है पर ग्रे में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस एलियन तो बन गया, अगर मैंने इसको लॉस सैंटोस में लाया तो ये हल्ला मचाने लग जाएगा, इसलिए इस एलियन को बनाने वाले एक फ्रेंडली एलियन। तो हमको इसका फ्रेंडली एलियन बनाने के लिए हमको इधर लिखना पड़ेगा, एलियन भाई आप फ्रैंकलिन के दोस्त हो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया एलियन भाई आप फ्रैंकलिन के दोस्त हो। इससे इस एलियन को पता चलने वाला है कि फ्रैंकलिन इसका दोस्त है, तो उसे कुछ नहीं करेगा और उसकी सारी बातें भी सुनेगा। चलो फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं और ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा एलियन यहाँ पर आ चुका है, लग रहा है एकदम खतरनाक सा एलियन। चलो फटाफट से इसको वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं और देखते हैं फिर क्या होने वाला। अरे मुझे तो लगता है ये सारे एलियंस को खत्म कर देगा। मुझे भी यही लगता है, जल्दी डालते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो एलियन जा चुका है वॉशिंग मशीन में, फटाफट से इसका गेट बंद करते हैं और इसको घुमाते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये मशीन यहाँ पर घूमना चालू हो चुका है, इसके अंदर से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मुझे समझ नहीं लगा क्या हो रहा है, पर देखते हैं वेट करते हैं क्या हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाला है, क्या हमें मैजिक पोशन मिलेगा। और गाइस अभी आप देख सकते हो पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन ही गायब हो चुकी है। और ये क्या आ चुकी है, यहाँ पर एक बोतल आ चुकी है। चलो फटाफट से इसको ले लेते हैं। इस बोतल को लेने के बाद तो मैं ही पूरा चमकने लग गया हूँ। अरे मुझे लगता है आपके अंदर ये पोशन आ चुका है, अगर तुम एलियन को टच करोगे तो वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। क्या चलो टेस्ट करते हैं, पर उसके लिए मैं उस एलियन को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे वो एलियन? फ्रैंकलिन मैं आ गया। अरे ये कौन है? फ्रैंकलिन तुम हमें अकेला छोड़ के आ गए, हम सब एलियन बन गए और तुम अकेले बच गए, अब मैं तुम्हें भी एलियन बनाऊंगा। अरे ये तो हल्क है, हल्क मेरी बात सुन। अरे जल्दी जाके पोशन टेस्ट करो, उसको वापस हल्क में कन्वर्ट कर दो। अरे हाँ तेरी बात तो सही है, यही सही टाइम है इस पोशन को टेस्ट करने का। क्या रहा हल्क? मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कुछ हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ पर तुझे बहुत कुछ होने वाला है, इधर आ पिद्दी। मुझे बचाओ। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे शिवा मुझे बचा ले। अरे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो छुप रहा हूँ। मुझे बचाओ। अरे हल्क मुझे छोड़ दे। छोड़ दू, ये लो निकलो यहाँ से। पूरे लॉस सैंटोस को मैं एलियंस में कन्वर्ट करके रहूंगा। A few moments later. बच्चा ना कहना, शिवा नाम है मेरा, मैं भी फ्रैंकलिन को ढूंढ रहा हूँ। जब से उस हल्क एलियन ने उसको फेंका है वो मुझे मिल ही रहा, पर उसका फोन यहीं पर कहीं पर ट्रैक हो रहा है और मैं ये मैजिक बोर्ड भी अपने साथ लेके घूम रहा हूँ ताकि हमको काम आ सके। ट्रैकर मुझे बता रहा है कि यही कहीं पर मुझे फ्रैंकलिन मिलने वाला है, पर यहाँ पर फ्रैंकलिन तो मिल नहीं रहा। शिवा, अरे ये क्या, मुझे फ्रैंकलिन की आवाज आ रही है, जल्दी से पता करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन कहाँ पर हो तुम? पानी में तो नहीं हो, नाले में तो नहीं हो, कहाँ पर हो तुम? मैं इधर हूँ। अरे ये फ्रैंकलिन मुझे मिल क्यों नहीं रहा? इन पाइप्स के अंदर है क्या? इन पाइप में भी नहीं है, कहाँ पर हो? मुझे तो फ्रैंकलिन मिल नहीं रहा, ये कचरे के डब्बे में क्या? अरे मुझे फ्रैंकलिन मिल गया। फ्रैंकलिन मुझे बचा ले। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे वो मैजिक पोशन तो बिल्कुल काम नहीं करा और हल्क ने मुझे इतना
इतना दूर फेंका कि मैं तो सीधा कचरे में आके गिर गया। वो मैजिक पोशन तो बहुत ही खराब था, पर मैं मैजिक बोर्ड अपने साथ लेके आया हूँ। हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम उन सारे एलियंस को खत्म कर सके। क्या तुम तैयार हो? तैयार तो नहीं हूँ, पर ट्राई तो करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, ऐसे नहीं चलेगा, अपनी पावर दिखाओ। ये शिवा बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हमें लॉस सैंटोस को बचाना है तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम उन सारे एलियंस और उनके बॉस को खत्म कर पाए, क्योंकि उनका बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहुत बढ़िया, अब बनाना शुरू करो और कुछ ऐसा बनाओ जिससे हम पूरे लॉस सैंटोस को बचा ले। शिवा तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जो पूरे लॉस सैंटोस को इन खतरनाक एलियन से बचाने वाला है। तो काइजर, अभी आप देख सकते हो वो एलियन सही में बहुत ही खतरनाक है। वो थोर इतना पाल हो चुका है कि वो मेरा दोस्त है फिर भी मुझे मार रहा है। तो हमें ये सब जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इसलिए हम आ चुके हैं ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर। अरे फ्रैंकलिन, बातें बाद में करना, जल्दी ड्रॉइंग शुरू करो। अरे शिवा तो टेंशन मत ले, मैं ऐसी ड्रॉइंग करने वाला हूँ जिससे वो सारे के सारे एलियंस रोने वाले। तो काइजर फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैं ये ड्रॉइंग गर्दन से शुरू करने वाला हूँ। वैसे हमेशा फेस होती है, पर इस बार का जो फेस है वो एक सरप्राइज होने वाला है, इसलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर उसके बड़े बड़े हाथ बनाएंगे, डोले शोले वाले हाथ यहाँ पर बनने वाले। इधर देंगे अंगुलियां और यहाँ पर फिर से डोले शोले वाले हाथ, और इस साइड भी सेम होने वाला है, डोले शोले वाले हाथ, यहाँ पर अंगुलियां और यहाँ पर फिर से डोले शोले वाले हाथ। अरे क्या सरप्राइज होने वाला है, मुझे तो बता दो। नहीं 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 शिवा, तुझे मैं नहीं बताने वाला, तेरे लिए ये सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तो फटाफट से इसको बनाते हैं, और इसके पैर भी हम बहुत ही बड़े वाले बनाने वाले हैं। पिछली बार जो हमने एलियन बनाया था ना, उसके पैर आपको याद होंगे कितने ज्यादा पतले थे, पर इसके उसके सामने इतने ज्यादा पावरफुल पैर आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये देखो कितना बड़ा पैर है, इस साइड का भी बड़ा सा पैर बनाते हैं, और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो बार बार की बॉडी हमने बना दी है, अभी भी बहुत चीजें करना बाकी है। मैं सोच रहा हूँ इसके हाथ थोड़े और बड़े करने के, क्योंकि मैंने इसके पैर इतने बड़े कर दिए तो हाथ भी थोड़ा बड़ा करना तो बनता है। तो फटाफट से पहले अपने इरेजर को बढ़ा लेते हैं, और इसके हाथों को भी हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, फटाफट से सारा का सारा इरेज करेंगे यहाँ पर। तो गाइस आप देख सकते हो हाथ इसके इरेज हो चुके, इस बार हम बहुत ही बड़े बड़े हाथ बनाने वाले हैं, और यहाँ पर बनाएंगे इसकी अंगुलियां। और यहाँ पर ये वाला हाथ कुछ खतरनाक लग रहा है, पहले वाला नॉर्मल सा था, आप इसे इस साइड भी बनाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे यहाँ पर, और बड़ा बड़ा हाथ बना देते हैं यहाँ पर भी, और इधर भी लगाएंगे अंगुलियां, और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो अब लग रहा है ये ज्यादा खतरनाक, अब इसको मैं खतरनाक पावर वाली रिंग्स बनाने वाला हूँ। अरे जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे शिवा रुक जा यार, जब तू इसको देखेगा तब तेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सही में यार शिवा को बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, बस आप देखते रहो मैं क्या बनाने वाला हूँ। और ये बन गई इसकी रिंग, यहाँ पर भी कंप्लीट हो चुकी है, इधर भी रिंग बना देते हैं। लेट्स गो, ये बन गई एक और रिंग, और ये आखिरी रिंग भी डन। तो आप देख सकते हो ये भी यहाँ पर डन हो चुका है। और गाइस अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद तो सीधा फेस ही बनेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी फेस के अलावा और कुछ भी बाकी है, ये तो मैं डे सिर्फ इसको जूते पहना रहा हूँ, इसलिए इसके अलावा बाकी इसके विंग्स। मैं इस जने को उड़वाने वाला हूँ हवा के अंदर, तो फटाफट से इसके खतरनाक खतरनाक विंग्स भी बना देते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर इसके विंग्स भी बन गए, और इस साइड की फटाफट से विंग बना देते हैं, और ये भी डन। तो आप देख सकते हो इसके विंग्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लग गए। बॉडी इसकी बहुत खतरनाक है, ये उड़ भी सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। अब बारी इसका मुंह बनाने की, तो देखते हैं कौन कौन गैस कर पाएगा इसका मुंह। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, फटाफट से इसका मुंह बनाना शुरू करते हैं। चलो यार यहाँ से लेके चलेंगे, देखते हैं कौन गैस कर पाएगा। अगर आपको पता है मैं क्या बना रहा हूँ तो फटाफट से कमेंट करके बता देना, देखते हैं किसको पता चलने वाला है। चलो फटाफट से बना देते हैं। ये इसके बालों की डिजाइन है, इसलिए इसकी वजह ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर इसका ये मुंह बन गया, यहाँ पर हम इसके कान बना देंगे, और यहाँ पर इसके बाल बनने वाले। लेट्स गो, फटाफट से इन बालों को यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पर इसके बाल भी बन चुके हैं। अब बनाएंगे हम इसकी आईब्रोज, और बनाएंगे बढ़िया बढ़िया गोल गोल आंख। तो फटाफट से आंख बना देते हैं, इसकी आंखें बिल्कुल गोल है, और आपको बता दूं ये मेरे थोड़ा सा पास भी खड़ा है। तो यार फटाफट से इसकी बनाते हैं नाक, और आप देख सकते हो ये बिल्कुल डन हो चुका है। इसका मुंह बना देंगे, बिल्कुल सेम सेम लगना चाहिए, और आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा खतरनाक सा हीरो जो कि उन सारे एलियंस को हराने वाला है। फटाफट से इसके अंदर कलर करना शुरू करते हैं, ये कलर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं रहने वाला हूँ रेड कलर, और
बस की सारी रिंग्स के अंदर हम रेड कलर करने वाले, तो रेड कलर रेड कलर रेड कलर। ओके ये तो हो गया, अब हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा रेड रेड, यहाँ पर भी हमने रेड रेड कर दिया। अगर आपको पता चल गया है कौन है हमारा रेड रेड, फटाफट से कमेंट करके बता दो, और अगर नहीं पता चला तो बस देखते रहो, ये हमारी ड्रॉइंग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। इसकी पेंट में हम करने वाले काला कलर और इसमें डार्क ग्रे, आप देख सकते हो मुझे तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और इसके विंग्स में मैं करने वाला हूँ डार्क ग्रे, लेट्स गो, या फिर ब्राउन भी कर सकते हैं, ब्राउन भी अच्छा लग रहा है, तो अभी हमने इसको कर दिया है। और अब हम लेंगे स्किन कलर जो कि इसकी पूरी स्किन में होने वाला है, क्योंकि एक इंसान है तो स्किन कलर तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर ये भी डन हो चुका है, इसके कानों में भी कलर कर देंगे, इसके बालों में भी हमने कलर कर दिया है। काला कलर अच्छा लगेगा क्या? ओके काला कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमने इसके कर दिया है। और इसकी आंखों में मैं गोले देना भूल गया था, उनको भी फटाफट से बना देते हैं, और ये भी डन हो चुका है। और इनकी आंखों में भी हम कलर करेंगे, इसकी आंखें हैं ब्राउन कलर की, तो फटाफट से इनको कर देते हैं ब्राउन ब्राउन। और आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा डन हो चुका है, बस ये आखिरी टच, लेट्स गो, हमारा पूरी की पूरी ड्रॉइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप अभी तक आपने गेस नहीं किया तो पता चल ही जाएगा आपको क्या ये है, आपको पता चल ही जाएगा ये क्या है। उससे पहले हम इसकी पावर बढ़ाने वाले, पावर मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं 10,000 नहीं 100,000 इनटू 1 लाख, और हमारी ड्राइंग यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। और ये ड्राइंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारी ड्राइंग यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं उड़ने लग गया हूं। शिवा ये देख, अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे बन गए, बच्चा ना कहना अंकल, शिवा शिवा नाम है मेरा, ये। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हम कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। हमारा शिवा खतरनाक था पर ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत ही तेज उड़ सकता है, उससे बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है इसके पंख है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हम जाने वाले उन एलियंस से लड़ने वाले जिन्होंने पूरे लॉस सैंटोस में हल्ला मचा रखा है। एलियंस आ रहा हूं मैं। तो गाइस अभी मैं उसी जगह वापस आ चुका हूँ जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था, इस खतरनाक से एलियन का अटैक, जहाँ पर हम रिपब्लिक डे मनाने वाले थे वहाँ पर इस एलियन ने अटैक कर दिया था, अब यहाँ पर ही वो खत्म होने वाला है। तुम्हें लगता है तुम हमें खत्म कर सकते हो? तुम हमारे सामने बहुत ही छोटे हो, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए तो मेरे बच्चे ही काफी है, आयरन मैन थॉर मारो इसको। तेरे आयरन मैन थॉर की ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से तू, और थॉर तू भी निकल यहाँ से। तो थॉर आयरन मैन को तो फेंक दिया, अब इसको भी फेंकते, ये कौन है थेनोस, निकल जा यहाँ से थेनोस, थेनोस को भी हमने खत्म कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पावरफुल हो, आओ फिर देखते हैं कौन राज करेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें रिपब्लिक डे नहीं मनाने दूंगा, ये ले। तो काइजर अभी मैं इस एलियन को नहीं छोड़ने वाला, ये मुझे मार मार के इधर उधर जरूर फेंक रहा है, पर मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इसको मैं खत्म करके रहूंगा। ये ले एलियन के बच्चे, इसको उठा उठा के फेंकेंगे, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये नहीं चाहता कि हम रिपब्लिक डे मनाएं, पर हम रिपब्लिक डे मना के रहेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा बोले जा रहा है पर कुछ नहीं कर पा रहा। ये ले इस एलियन को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अरे कहां फेंक दिया? आज 26 जनवरी को तुम नहीं मना सकते रिपब्लिक डे, निकल जाओ यहाँ से। तुमको मारने के बाद मैं पूरे लॉस सैंटोस पे राज कर पाऊंगा, मैंने 95% लोगों को तो ऑलरेडी एलियन में कन्वर्ट कर दिया है, अब बस तुम बाकी हो। तो कहे सर बोलना तो पड़ेगा, ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो कहे सर अगर आप चाहते हो मैं इस एलियन को खत्म कर दूं और हम रिपब्लिक डे मना पाए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में अभी तक आपने नहीं लिखा हैप्पी रिपब्लिक डे तो फटाफट से लिख देना, क्योंकि इस एलियन की खत्म होने की बारी आ चुकी है। तेरी तो एलियन, रुक जा, अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इस एलियन को मैं आज खत्म करके रहूंगा, क्योंकि आज हमें कैसे भी करके रिपब्लिक डे मनाना है। ये ले इसको फटाफट से हाथ में पकड़ेंगे और नीचे मोड़ते हैं, ये ले इस एलियन की ऐसी की जैसी। तो मैंने आपको बोला था कि इन एलियंस को हम खत्म करके रहेंगे,
और हमने इनको खत्म कर दिया। आप देख सकते हो हर जगह फटाके फूटने लग चुके हैं, यानी हमने उस एलियन को हरा दिया है और लॉस सैंटोस वापस से पूरा का पूरा ठीक होने वाला है। तो हमने अपना काम कर दिया है, बस अब एक ही काम बाकी है। तो कैसर आखिरकार वो टाइम आ गया जो वीडियो के शुरू में होने वाला था, वो आखिरकार हो ही गया। उस एलियन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, पर ये हो चुका है, हमारा फ्लैग होस्ट हो चुका है। वैसे सारे के सारे लोग यार एलियन बन गए थे, इसलिए वो आ नहीं पाए, पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और हमने अपना इंडिया का फ्लैग यहाँ पर लगा दिया है। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। पीछे फटाके फूट रहे, आगे फ्लैग हमारा लहरा रहा है। तो गाइस आज की वीडियो से भी इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, बता रहे की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। मैं तो जा रहा हूँ रिपब्लिक डे का लड्डू खाने, अगर आपको भी एक लड्डू चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर देना लड्डू, मैं आपके घर में भिजवा दूंगा। तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।